यहाँ पे ठिया लगाया भाई, ये गैर कानूनी है ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान आज मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक मशहूर मार्केट का अगर मैं नाम लूँ तो आप सब जानते हैं, वो मार्केट का नाम है वाटर पम्प। वाटर पम्प की जो मार्केट है वो बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ मौजूद है, लेकिन साथ साथ अब बहुत बड़े बड़े ठिए पटारे भी यहाँ पे मौजूद है। चलते हैं, आज आपको दिखाएंगे कि वाटर पम्प मार्केट में किस तरह गैर कानूनी तौर पर ठिए पटारे लगा दिए जाते हैं। आखिर ये जिम्मेदारी है किन की? अगर हम बात करें डीएमसी की तो डीएमसी कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं, अगर बात करते हैं केएमसी की तो वो भी यही कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? और साथ साथ हम ये भी आपको बता दें कि इन टीए पटारे लगाने से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ट्रैफिक का होता है, और शदीद ट्रैफिक वाटरम से लेके श्राप कोर्ट से लेके वाटरम तक, वाटरम से लेके आशा मंदिर तक, और अगर मैं बात करूं तो कार्डियो हॉस्पिटल तक अक्सर एम्बुलेंस यहां फंसी हुई होती है। चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखा देंगे वाटरम मार्केट में किस तरह टीए पटारे लगाए गए हैं और ये गैर कानूनी काम आखिर कौन अंजाम दे रहे हैं। चलते हैं, बात करते हैं। जहाँ हम बात कर रहे हैं मार्केट के ठिए पटारों की, वहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मसला ये रोड पे अनऑथराइज पार्किंग है। और अगर मैं पार्किंग की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जब रोड पे लगा दी जाएंगी तो ये वही रोड है जो हार्ट डिस को जा रहा है, हॉस्पिटल्स को जा रहा है, तो ये वो शाम के औकात में ये रोड इस तरह जाम हो जाएगा कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरना बहुत मुश्किल होगी। मेरा सवाल इक्तदार के फिर उन लोगों से कि खुदारा जिनका ये काम है वो क्यों नहीं कर रहे? केएमसी का काम है रोडों को क्लियर करना, आखिर ये पार्किंग है किसके हैंडओवर कर दी गई है? मेन रोड पे लगा दी गई है गाड़ियां, जिसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? चलते हैं, अब मार्केट के अंदर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह मार्केट के अंदर एक रश लगा दिया गया है जहाँ से जाने के लिए एक गाड़ी नहीं गुजर सकती। इलाके मकीन जो है उनका कहना भी यही है कि हम अपने घरों में जाने के लिए भी हमें आगे से आधा किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। मेरे सवाल डीएमसी के उन अफसरान से कि शायद अब वो ये कहें कि डीएमसी का काम नहीं, क्योंकि टीएमसी आ चुकी है, टाउन नाजिम आ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि गुलबर्ग टाउन के टाउन नाजिम से भी बात करें और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। चलते हैं, आपको मार्केट दिखाते हैं। अनऑथराइज पार्किंग की जहां मैं बात कर रहा हूं वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि वाटर पंप, जिसके लिए एक्चुअल में यहां आया हूं, कि आखिर डीएमसी ने अपनी जिम्मेदारियों से शायद ला ताल्लुकी तो कर ली है, कि अब सवाल यह है कि यार जो टाउन नाजिम है क्या वो हमारा कॉपरेट करेंगे या उन आवाम का कॉपरेट करेंगे जो आवाम यहां पर है, और ये जो ठिए पटारे लगाए गए क्या ये कानूनी है या गैर? कौन है यहाँ पर दुकान के ऊपर, यहाँ पे कौन है आप? क्यों लगाया रोड पे भाई? वो तो सेट बताएगा। तो सेट क्यों बताएगा? रोड सेट का नहीं है, ये गवर्नमेंट का रोड है, क्यों लगाया हुआ है? सेट आएगा, सेट को बता, हमें हम मजदूर आदमी है। आप मजदूर आदमी, आपको मजदूरी के लिए जहाँ बोलोगे मजदूरी करोगे, आप ये नहीं पूछोगे सही है या गलत है, कुछ नहीं पूछोगे, हटा देंगे बोलेंगे तो। कि एज के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आप ये मार्केट में आज नए तो नहीं बैठे हुए ना, एक पुराने आदमी है। सवाल ये है कि ये तो गैर कानूनी जगहों पे लगाए हुए, अगर ये बात करो वाकई गलत लगा, ये भी गलत लगा हुआ अगर बात करें, गलत तो लगा हुआ मगर हर चीज लगी हुई जगह। कितने पैसे डीएमसी लेके जा रही है आपसे? कोई डीएमसी का हिसाब नहीं, अभी ले नहीं रहा पैसे, कोई पैसे ले रहा है? बेकार सी बात है, मैं बोलूँ लेके जाना बेकार, फ्री में लगा हुआ और कोई आपको रोक नहीं रहा? अभी तो कोई चीज नहीं है ऐसी, अभी नहीं, पहले भी, पहले कभी थी, अब नहीं है फिलहाल। कब से? ये भी बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल से नहीं रहा वैसे किसी को। आपने यहाँ पे ठिया लगाया भाई, ये गैर कानूनी है या नहीं? ये है। तो क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी भी हो और हम करेंगे? यार टोटली हो रहा है मेरा भाई, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, जाके आप देखे ना कहाँ तक नहीं हो रहा है, पटारे कितने लगे हुए कहाँ तक नहीं लगे हुए, हर तब यही पटारे लगे मेन रोड पे लगे हुए, यार कहाँ जाएंगे? ये कि टोटली हो रहा है तो हम भी कर रहे हैं, और ये बड़ा एक बहुत छोटा सा एक सवाल मैं यहाँ रखता हूँ कि अगर मैं सब गुनाह कर रहे हैं तो मैं भी गुनाह मुझ पर वाजिब हो गया, हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दूसरे गलत कर रहे हैं तो काश हम वो काम ना करें। लेकिन सवाल ये कि काश पर छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो एक ज़माने से यहाँ बैठे हुए हैं। भाई आप यहाँ पे ठीक क्यों लगाया हुआ आपने? कहाँ जाए यार, बस रोजी तो करनी है ना, बेरोजगार है। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट से जरूर कहेंगे हमें रोजगार दें, हमें जगह दें, हमें चीजें दें, लेकिन रोड तो ये नहीं है ना आपका? रोड तो नहीं है बिल्कुल, गवर्नमेंट की जगह है। मकसद कहने का, गवर्नमेंट क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही, महंगाई कर रही है, रोज बे रोज महंगाई कर रही है, क्या करे आदमी क्या? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त बात कर रहे हैं हम रोड की, तो महंगाई है बिल्कुल है, आवाम परेशान है और ये बात सब जानते हैं। मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि इस वक्त जो रोड पे आप बैठे हुए हैं, और ये आज से नहीं, महंगाई आज से नहीं, ये रोड पे आप आज से नहीं बैठे, एक जमाने से यहाँ बैठे हुए, आखिर क्यों इस जगह को घेरा हुआ है आपने? हम गवर्नमेंट करेंगे सबको हटाएगी, हम भी हटा लेंगे सब लगा हुआ। बड़ा इशू है कि हर चीज गवर्नमेंट पे डाल दीजिए। हाँ बात सही है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हमारी भी खुद जिम्मेदारियां हैं
कि हम अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए उस चीज़ों को उस जगह पे ना लगाएं जिससे आवाम को तकलीफ हो। सवाल ये है कि जब यही जगह जाम होती है तो ये आप देख सकते हैं मेरे इतराफ में रोड जो कार्डियो हॉस्पिटल को जा रहा है, अक्सर यहाँ एम्बुलेंसेज फंसी हुई होती है। ये ट्रैफिक के मामला की वजह भी है, रोड पर पार्किंग की वजह भी है, और साथ साथ अगर मैं कहूँ तो ये मार्केट के जो ठीए बता रहे हैं, साथ साथ ये दुकानदारों से भी बात करेंगे कि आखिर अपनी दुकान के आगे इन्होंने क्यों ये ठीए लगवाए हैं, आखिर किस बेस पर लगाए गए। और फिर वही सवाल आता है कि डीएमसी और केएमसी कहाँ है। चलते हैं मजीद आपको ये भी दिखाते हैं, ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पे आपका ठीया? क्यों लगा हुआ, क्या मकसद? क्यों ना, मकसद ये कि ये जगह गवर्नमेंट की है, आपकी तो नहीं है ना, अनऑथराइज जगह है, आपने ठीक है बता रहे लगा दी तो गैर कानूनी बात। अगर मैं डायरेक्टली आपको कहूँ गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो शायद वो आपको बुरा लग जाता, इसीलिए मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्यों लगा हुआ है? ये बाजार बनाया हुआ है, बाजार कैसे बनेगा? सख्ता बाजार बनाया हुआ है जी, जी बाजार का जो बस चले रोड पे बस सामान रख दो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इसको पे तो कर रहे होंगे ना आदमी जो ना, देखो जब इसके अंदर जो ना बाजार बनता है ना तो एक तरतीब होती है जिसमें से जो ना डीएमसी भी होती है केएमसी भी होती है, सब बोलते हैं कि छोटा करके लगाओ और अच्छा करके लगाओ ताकि आवाम को कोई जो ना परेशानी ना हो। लेकिन अक्सर देखने में तो आता है कि परेशानी का बाइस रोड बन जाता है जो हार्ड हॉस्पिटल का रास्ता है, पूरा जाम हुआ होता है। हमारे पास ये फुटेजेस मौजूद भी हैं और बार हाँ बताए बताए क्या कह रहे हैं? मकसद कहने का ये है कि इधर दुकान के अलावा जो ना फिर पार्किंग वालों को आप क्यों नहीं बोलते कुछ? मैंने अभी शायद ये अर्ज किया कि पार्किंग की वजह से भी जाम होता है। नहीं कहाँ तक है और ठीक कहाँ लगा हुआ है? इस वक्त हम ये छोड़ दें पार्किंग, आप अपनी जिम्मेदारी बताएं कि आपने क्यों लगाया? ये बस बाजार बनाया हुआ है तो लगाया हुआ है बाजार। डीएमसी वगैरह किसी को पैसे दे रहे हैं आप? नहीं अभी तक तो किसी को नहीं, फ्री में आपको जगह दे दी गई कि लगाएं और बैठे और रोड जाम करें। पूरे बाजार जब एक ठेला लगता है तो दूसरा लग जाता है, तीसरा लगता है, चौथा लग जाता है, ऐसे बाजार बनता है। ये जब बाजार बनता है जो ना पब्लिक को जो ना आसानी होती है तो यू बाजार पब्लिक को आसानी के लिए अगर हम मुश्किलात में डाल रहे हैं तो वही बात वही है कि एक जान का ज़िया पूरी इंसानियत के बराबर होता है। जब यहाँ पे कोई चीज़ जैम होती है रोड पे, कोई एम्बुलेंस जैम होती है तो एक मिनट की दूरी से वो जब एक्सपायर शख्स होता है ना उसके घर वालों से पूछें कि ये बाजार ज़रूरी था या फिर उसका बचना ज़रूरी था। तो सर प्लीज़ इसको देखें, गैर कानूनी चीज़ गैर कानूनी होती है। चलते हैं मज़ीद दुकानें में जाऊँगा, इस दुकानों की तरफ भी जाना कि ये दुकानदार अपनी दुकानों के आगे कैसे लगने दे देते हैं। और ये बड़ा एक अहम सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि ये जो दुकानदार है इन्होंने तो अपनी दुकानें बनाई हुई है, भाई ये आपकी दुकान है तो ये क्या है? पिंजरा है, पिंजरा है, रोड पे आपने लगा दिया है पिंजरा, जबकि ये जगह अनऑथराइज है आपके लिए, ये रोड है, आपको मालूम है ये बात? जी मालूम है। किसी डीएमसी केएमसी वाले ने कभी नहीं बताई ये बात? नहीं कभी नहीं बताई। आते हैं हटा देते हैं अपनी दुकान में ले आते हैं, जैसे ही वो जाते हैं वापस लगा देते हैं। बाजारे मुस्तवा चल रहा है, चला रहे हैं, एक का तो नहीं है पूरी दुनिया है, मार्केट है, कोई सी भी मार्केट में चले जाओ आगे लगा हुआ है काउंटर। अवेयरनेस का बड़ा मसला है यहाँ पर, इनको ये नहीं पता कि रोड और दुकान का क्या डिस्टेंस होना चाहिए। अगर दुकान इनकी यहाँ है तो एक्चुअली ये पूरे 10 फीट तो ये ऑलरेडी बाहर बैठे हैं, फिर 10 फीट के बाद 10 फीट इन्होंने पिंजरा बाहर कर दिया, तो दुकान थी 6x6 की और देखें आगे 20 फीट के ये मालिक बने हुए। सर आप भी यहाँ मौजूद, दुकान आपकी पीछे है, क्या वजह है जो इतना आगे सब निकाला हुआ है आपने? जब से हम आए तभी से चल रहे हैं, हमने तो स्पेशल नहीं लगाया, ये जो बाहर ठेले आपका हमारे आगे देख रहे हैं ये हमने नहीं लगाए, ना इनका किराया लेते हैं इनसे। आप किसी से किराया नहीं लेते, आप कहते हैं लगा दो बस? लगा दे, हमसे ज्यादा पावरफुल है, हम हटा नहीं सकते, हम तो बोलते हैं कल से आज हटा दो इनको। आप कह रहे हैं कि जितने ठीए वाले ज्यादा ये पावरफुल है? हमारे से ज्यादा पावरफुल है भाई। आपने कभी कोशिश करी किसी को कंप्लेन करने की इस बात में कि ये हटाया जाए? नहीं हमसे हट नहीं सकते भाई, हम किसी को कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं है। एक बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी हर दुकानदार की बनती है मुख्तलिफ कराची की, अभी इस बार तो हम वाटर पंप पर हैं, पर मैं ये मैसेज जरूर यहाँ से दूंगा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक दुकानदार का राइट है वो अपनी दुकान के आगे अगर कोई गैर कानूनी चीज लग रहा है लगा रहा है कोई भी, तो वो अपने उस इलाके में जो डीएमसी या केएमसी या अब जो निज़ाम शुरू हुआ है नाजिम सिस्टम उसमें अगर बात करें तो वो कंप्लेन करके उस जगह को हटा सकता है। लेकिन शायद आप लोग के पास अवेयरनेस की कमी है जब ही आप लगने देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी दुकान तो पीछे, आपने क्यों आगे लगाया हुआ है? हमारा तो ये पहले से जब हम आए तब से लगा हुआ है। गैर कानूनी चीज़ चलती आ रही तो आपने इसको कंटिन्यू रखा हुआ, ये चलने दिया बस? सारे बराबर हम आज जैसे बराबर आते हैं, जैसे मेरे बराबर है उसके बराबर है, देखते देखते सब एक दूसरे के चीत में आ गए। हम यही दिखा रहे हैं कि
अगर अच्छा है दुकान में सारे एक साइड पे बराबर आ जाए तो वो सही है हमारे लिए। आप कह रहे हैं जब भी हमने शुरुआत ही वाटर रूम की, आपकी कोई चौथी दुकान है जो मेन रोड से अगर दिखाया कि अगर शुरुआत की जाए तो सब ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत करे कौन, ये बड़ा अहम है कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल रहा है कि भाई पूरी मार्केट ऐसे चलती आ रही है तो हम भी इसी तरह चलते रहेंगे। मैं मजीद दुकानों तक आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जहां गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों जैसे कोरोना एक बीमारी आई थी तो पूरी अवेयरनेस दिखाई गई कि आप लोग को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। यकीन जाने इस चीज की भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि रोड का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपकी दुकानों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपकी दुकान की जो लिमिट दी गई है वो कहां तक होनी चाहिए। लेकिन शायद इन लोगों को ये पता ही नहीं, ये कहते हैं हम दुकानदार हैं और हमारे आगे जो ठिए लगा दिए गए हैं वो ज्यादा पावरफुल है। वो पावर किसकी है क्यों नहीं है, चले एक ठिए वाले और भाईजन यहाँ मौजूद है जो बिल्कुल रोड पे खड़े हुए, इनसे भी जरा पूछेंगे। भाईजन ये बताएं रोड पे क्यों लगाया हुआ आपने? यार जगह नहीं मिली इसलिए लगाए, दुकानें सब इतनी महंगाई है। एक सिंपल सवाल है, आपका जो घर है उसके दरवाजे के आगे मुझे जगह नहीं मिली और आगे मैं ठिया आपके दरवाजे पे लगा दूं, कैसा लगेगा? भाई जो जमाने से लगे हुए, कोई अभी के थोड़ी लगे हुए। यहाँ पे मार्केट की सफाई होती है, जब ठिया उठा के ले जाते हैं तो उसके नेक्स्ट डे आप लोग फिर आ जाते हैं। पक्के हम हटाते तो फिर हटा ही लेते हैं, हम ये रेडी वाले नहीं है भाई हमारे ठिया, समझ रहे हो? ठिया है पकड़, ये गाड़ी नहीं है, जो गाड़ी होती है ना ये लोग शाम में ले आते हैं। बहुत अहम सवाल ये कि बड़ा सिंपल तरीका है ये कह देना कि मेरा ये है मेरी वो दुकान है, लेकिन ये सवाल है जो ये गवर्नमेंट का रोड है, आखिर ये गवर्नमेंट के रोड की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, KMC DMC या फिर मैं कहूँगा टाउन के जो नए नाजिम आए? हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें और उनसे ये सवाल लगे कि आप अब नया निज़ाम जो आया है उसमें आप क्या करने जा रहे हैं जिससे ये रोड क्लियर हो सके, क्योंकि फिर वही बात आती है कि एक जान का जया पूरी इंसानियत पे बनता है। सामने मामजी हॉस्पिटल है, इस तरफ अगर इतराफ़ में बढ़ूँ तो कार्डियो हॉस्पिटल और ये रोड शाम के इतराफ़ में इतना जाम होता है कि शायद यहाँ को क्रॉस करने के लिए कम अज़ कम आधा घंटा लग जाता है। तो एक जान का जया पूरी इंसानियत पर चलते हैं। मज़ीद यहाँ पर जो पुराने दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ मौजूद है। ये बहुत पुरानी गोश्त मार्केट है, हम इस तरफ भी बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि DMC KMC के किसी अफसरान से भी बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बहुत पुराने यहाँ पर दुकान है आप लोग की बनी हुई है, एक पुरानी कदीम मार्केट गोश्त की ये थी, जो वाटर पम्प की मार्केट को अगर हम हिस्ट्री को उठाएं तो सबसे पुरानी मार्केट ये कहलाती थी, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है। सर ये बताएं कि जो ठिए बता रहे एक माफिया पूरा बैठ चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे, ये तो बहुत पहले से लगे हुए हैं और जहाँ गोश्त सब्जी हो वहाँ ये चीज़ें होती हैं, और तुम्हें पता है बाकी तो ये भी चाय पानी खर्चा पानी देते हैं, ऐसे तो नहीं है। ये चाय पानी का निज़ाम कब खत्म होगा? ये तो हमारे सरबरा कोई नेक दिल आ जाएंगे वो करेंगे, हमारे बजे तुम्हारे बस की बात नहीं है। पूरी जिंदगी आपने यहीं गुजार दी, इसी जगह पर गुजार दी, बहुत पुरानी दुकान है। मैं शायद कभी शायद मैं भी यहाँ पर आके गोश्त लेके गया हूँ, लेकिन मैं ये देखता आ रहा हूँ अपने बचपन से कि ये रोड पे दुकानें लगा दी गई हैं, ये कभी नहीं हटी, और DMC कहते हैं हम अपना काम भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। आते हैं तो बेचारे ये इधर उधर जाते हैं, अब इनकी भी रोजी, अब ये भी खड़े हुए हैं, अब जहाँ गोश्त सब्जी हो वहाँ ये चीज़ें होती है। आपका दिल नहीं करता कि आप भी 10 फीट आगे आके कुछ लगा दें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? भाई अच्छा नहीं रहेगा ना, घाक के खड़े होने की जगह होनी चाहिए बिल्कुल तरीके से। अब अगर हम यहाँ ठिया खड़ा कर दें कोई तो ये कोई बात ही हुआ, घाक के आने का रास्ता भी नहीं है, जाने का भी नहीं है। लेकिन ये जो ठेले खड़े हैं ये भी कुछ ऐसी लगाते हैं। मैं आगे इधर बढ़ता हूँ, बिल्कुल अतराफ में आपके ठिए बता रहे, लेकिन ठिया फिर भी यहाँ पर है। भाई आपने ठिया किसके कहने पर यहाँ लगाया हुआ है? मैंने पिछले 20 साल से लगाया हुआ है। 20 साल से लगाया हुआ है। DMC आती है, हम तो कहती है वाटर रूम कई बार हम खाली कराते हैं, कई बार हटाते हैं, तो आपको नहीं हटाया गया? आपने कहा मैं 20 साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ। हटाते हैं फिर आ जाते हैं हम। अच्छा वो हटाते हैं आप वापस आ जाते हैं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? जाए कहाँ से रोजी कमाए, किस तरह रोजी कमाए आप मुझे बताइए। ये आपने अपने एतराज़ जाहिर किया है, शिकवा कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ हमें जगह नहीं है। कभी आप लोग कहें ना वोट डालने हम सब जाते, हम सब जगह वोट डाल, कभी अपने वोट डालने वाले जिस लीडर को हमने खड़ा किया होता है कभी उससे ये सवाल क्यों नहीं करते कि मेरे पास जगह नहीं, कभी किया आपने? जी नहीं। तो फिर 20 साल के अंदर दोबारा बार बार आने का क्या मकसद है कि एक जगह क्लियर की जाती है दोबारा के बैठ जाते हैं? पिछले 40 साल से लगा भाई जान, ये मार्केट है सर, ये मार्केट है सर। बता दूं मार्केट दुकानों से है, बिल्कुल ठीक है, हर जगह जाएंगे दिखाएंगे भी। सवाल आपसे इतना है कि आपने गैर कानूनी लगाया हुआ है इसलिए कि पूरी मार्केट है? जी बिल्कुल। मैं फिर कहूंगा कि अवेयरनेस की बहुत कमी है, जिनका काम है DMC का वो अंजाम नहीं दे रहे थे। जब ये आज लोग ये कहते हैं कि हमें 20 साल से मौजूद है,
चलते एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक से आगे फिर मजीद बात करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात जहां थी वहीं से हम शुरू करेंगे कि किस तरह गैर कानूनी चीज़ें लगा दी जाती हैं और उस पर अवेयरनेस का कोई निज़ाम नहीं है हमारी गवर्नमेंट की। जानते मेरे साथ मौजूद है गुलबर्ग टाउन की UC3 जो जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, ये भी यहां मौजूद थे, इन्होंने कहा हम बात करना चाहेंगे। आप लोग UC देख रहे हैं, UC3 ये क्या है आपके इलाके के अंदर, क्या अब आपका निज़ाम जो आया क्या कर रहे हैं इसके लिए? मैं यहाँ UC3 वाटर पम्प का जनरल काउंसलर हूँ, मुश्ताक मिर्जा मेरा नाम है। हम इस हालत को देख रहे हैं और इस कंजेस्टेड जगह को देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या नाम है इनक्रोचमेंट हुई हुई है। आप देखें कि जो यहाँ के मकीन हैं उनको अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो आधा घंटा लग जाएगा, वो एक्सपायर हो चुका होगा बंदा। यही तो बेसिक सवाल है हमारा भी कि आपके टाउन अब निज़ाम जो आया है, नुसरतुल्लाह साहब आपके टाउन नाजिम आए, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? प्लान ये कर रहे हैं कि ना इनको तकलीफ़ हो ना आवाम को तकलीफ़ हो, इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमें ट्रांजैक्शन पीरियड नहीं मिला, ख़त्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। ट्रांजैक्शन ऑफिसर तो मौजूद हैं लेकिन वो काम शायद अंजाम नहीं दे रहे अपने, ऐसा ही है? अभी इख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए, जिस दिन इख्तियारात मुंतकिल हो जाएंगे उस वक्त ये सब सीक्वेंस में शुरू हो जाएंगे और आवाम को एक सहूलत मिल जाएगी, ट्रैफिक की रवानी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सब कोऑपरेट करेंगे हम और आवाम को एक क्या नाम है सहूलत भी मैसर हो, ट्रैफिक की रवानी शुरू हो, लोगों का आमदरफ्त शुरू हो। लेकिन ये लोग भी बाज नहीं आते, इनको भी चाहिए कि हम क्या नाम है अपनी हदूद में रह के कारोबार करें ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। सर मैं आइंदा हम जो प्लान कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इनके थिए भी बरकरार रहें, लोगों को सहूलत भी मिले लेकिन अपने हदूद में रह के काम करें। बिल्कुल हदूद में रह के काम करें। सबसे बड़ी बात, मैंने एक वर्ड रखा है अवेयरनेस, जब हम कोविड की अवेयरनेस दे रहे थे तो इस तरह की भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जहाँ हॉस्पिटल्स करीब होते हैं और अगर मार्केट बसा दी जाती है तो पार्किंग भी रोडों पर इस तरह लगा दी जाती है। और यकीन जाने ये आवाम यहीं की तो UCs हैं। चलाएं सर, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमारे साथ आएँ आवाम के बीच में, आप लोग आवामी नुमाइंदे हैं और आपके सामने आवाम क्या कह रही है, हम आवाम क्या कह रही है हम वो भी सुनाना चाहेंगे क्योंकि यही लोग हैं जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने टाउन को। तो आए यहाँ पर आवाम भी। जी अस्सलामुअलैकुम। सलाम। हाँ सर, सामान लेने आए हुए या बाइक पार्किंग पे लगा के खड़े हुए? ले रहे हैं, असल में फैमिली साथ है, सामान ले रहे हैं। क्या ये ठीक बता रहे हैं गैर कानूनी नहीं है जो आपके लगे हुए इलाके के अंदर, या कभी आप लोग ने बोला नहीं इस बारे में? बिल्कुल गैर कानूनी है और अपना इस चीज़ जो आप कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान बिका हुआ है, ठीक है, मीडिया वाले भी बिके हुए हैं, पुलिस वाले भी बिके हुए हैं, KMC वाले। देखिए एक सवाल बड़ा बड़ा गलत सवाल तासुर जाता है कि मीडिया बिका, मीडिया दिखाई तो रहा है हमारा गाँव। अच्छा पहले ये भी अवेयरनेस ले लें कि हम बार बार मुख्तलिफ इदारों पर उंगली उठाते हैं, खासतौर पर मीडिया सेक्टर्स में, कि वो बिके हुए हैं। भाई आप कैसे कह सकते हैं हम दिखा रहे हैं तो बिके हुए, जो नहीं दिखाते वो भी बिके हुए, अब ये टाइन कैसे करेंगे अगर मैं दिखा रहा हूँ तो मैं बिका हुआ हूँ, ये कैसे कह सकते हैं आप? अभी आप यहाँ पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी आज या कल के अंदर ये सारी चीजें हट जाएंगी, फिर उसके दो दिन के बाद दोबारा लग जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि मतलब हो गया ना हिसाब किताब, तो जो डिपार्टमेंट है वो मिले हुए, ठीक है, ऐसा ही है। तो सर ये आप भी यहाँ मौजूद टाउन के यहाँ के इलाके की जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या कह रही है आवाम आपकी? सर आवाम ने हमें मुंतखब किया है, आवाम ने हम पे एतमाद किया है और हम इनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। हम जो ये सीक्वेंस लगी हुई क्या नाम है एक पूरी रोड के ऊपर क्या नाम है दारी लगी हुई है, इसको ख़त्म करेंगे, इनको इनकी हदूद में लेके जाएंगे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी का कारोबार ख़त्म नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, लेकिन कम अज़ कम इतना तो हो कि क्या नाम है लोगों को एक रवानी मिले, लोग अपने कहने में। ये आपके इलाके के जनरल काउंसलर हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में, जमात इस्लामी से ताल्लुक है जी, जो कह रहे हैं इस पे कितना आप कहोगे कि सही कह रहे हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आवाम पहले मसला जो पॉइंट जो आपने बताया, भाई ने बताया अभी पॉइंट, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है, सारे डिपार्टमेंट पैसे ले रहे हैं, सही है, जगह दीजिएगा, पैसे ही ले रहे हैं, सही है। वक्ती तौर पर तो अगर हर काम आकर हट जाता है, फिर उसके बाद फिर जू का तू वैसे ही जारी रहता है, वैसे ही जारी रहता है। अब इसका मकसद यही है ना कि भत्ते पे खानी चल रही है।
मतलब जिसका भी आके ठिया लगवाना है उससे 1000 रुपए ले लेना है, 500 रुपए ले लेना रोज के, सही है ना, उसका काम जारी है। आप कह रहे हैं जो जितने यहाँ पे लाइन से बैठे हुए 1000-2000 दे के पे कर रहे हैं, ऐसे नहीं बैठे। और बोलना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ काफी देर से आपको, मतलब आप काफी अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं। मैं ऐसा मकसद मेरा बिल्कुल नहीं है कि हर मीडिया ऐसा है, मतलब आप अच्छी चीजें आप दिखा रहे हैं। मतलब एक चीज है बंदा उसके ऊपर ढिटाई से बोल रहा है कि जी मेरे पास रोजगार नहीं है तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा, तो ये बात हकीकत है कि हमारे हुक्मरानों को ये बात सोचनी चाहिए कि मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं है जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए इस लेवल के ऊपर आने के ऊपर कि वो गैर कानूनी काम को भी अब जायज समझ रहे हैं। मैं आपको आपकी एक बात की क्लियरेंस सबको दे दूं, मैं पहले क्लियरेंस दे दूं कि K21 जवाब तो चाहिए। प्रोग्राम लॉन्च इसलिए किया गया है कि हम आवाम के जो हकायद हैं वो आगे रखें, और जिनका ये काम है, क्योंकि पर्पस ऑफ द मोटिव मेरा यही है कि इक्तदार के उन लोगों का जिनका काम है जो गफलत की नींद सो रहे हैं उनको चाहिए वो गफलत की नींद से जागे, और ये वो आपकी आवाम है जिनकी आवाज है। जनाब आप बोलिए बोलिए, मैं सुनना चाहूंगा, बोले। मैं ये कहना चाह रहा था जैसे अभी इनके हल्के के अंदर जो भी आकर काम हो रहा है तो ये इनकी आंखें बंद हैं क्या? क्या आंखें बंद हैं जनाब? आंखें बंद हैं सर, मैं यही वजाहत करना चाह रहा था इनकी बात से पहले कि हमें इन्होंने मुंतखब कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक हमें इख्तियार नहीं दिया कि हम किसी ठेले वाले तो को सेमी गवर्नमेंट है, इसके कहने पे अमल होगा, लेकिन अमल कोई भी नहीं है। इनकी बात हटाते हैं, आप DMC और KMC के लोगों से हमने रابطہ करने की कोशिश की, वो आने तक को तैयार नहीं है। क्या वजह जो नहीं आने को तैयार हैं? ले रहे भत्ता ले रहे क्यों आएंगे वो? यही बात है। हाँ, ये वर्ड वही है कि भत्ता ले रहे। जब हम बात कहते हैं कि भत्ता शहर से खत्म हो चुका है, तो क्या अब निज़ाम बत्ता ले रहा है या वो अफसरान बत्ता ले रहे हैं? ये तो आगे चल के और मजीद लोग उनसे बात करते हैं। आए सर, मैं इख्तियार में कुछ होता तो अभी आकर एक्शन होता, अभी एक्शन होता। बिल्कुल, मैं इस बात पे बिल्कुल मैंने अभी एक्शन होता। मैंने यही कोशिश की है कि इनके जो टाउन नाजिम है नुसरत साहब, वो बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा सर आप बुलाएं और ये पूरा रोड क्लियर कराएं। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये इनके टाउन नाजिम हो गए, इनके जनरल काउंसलर हो गए, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है? ये तो बेचारे मतलब एज अ डमी इनको ला के बिठा दिया गया। मेन जो लोग हैं, आप मेयर से सवाल करें ना, जो कराची का मेयर है, जो कराची को इस टाइम के ऊपर अपना कहना बोल रहा है कि जी हमारा यहाँ से मेयर मुर्तजा वहाब साहब, आपसे भी दरखास्त करूंगा, क्योंकि ये मैसेज जब आप तक पहुंचेगा तो ये अवाम आपकी है जिन्होंने मुंतखब करके आप लोगों को ऐवान तक पहुंचाया है। मेरी दरखास्त है मुर्तजा वहाब साहब, जहाँ जिस तरह आप वेस्ट में आप काम करें, ईस्ट में काम करें, इस तरह आप सेंट्रल के अंदर भी थोड़ा देखें। ये मार्केटें क्लियर होंगी तो यकीन जाने रोड क्लियर होंगे, और ट्रैफिक जैम होने की वजह से बहुत मुश्किल का सामना। चलते हैं मजीद लोगों से बात करते हैं। जनाब बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पे आपकी, आपके सामने बिल्कुल ठीक लगते जा रहे हैं, हर साल मैं भी यहाँ के देखता हूँ, हटाए भी जाते हैं, लगा भी दिए जाते हैं, क्यों लगने देते हैं ये? हम लोग थोड़ी लगने देते हैं, ये तो KMC वाले लगवाते हैं या ये लोग ठेले वाले लगाते हैं, आगे 2 दिन के लिए हटते हैं फिर वापस लग जाते हैं। पहले 2 दिन के लिए हटाते हैं वापस लगाए, और लगाने में फिर उन्हीं का हाथ होता है भाई, लाजमी सी बात है, और कौन हटवाएगा और कौन लगवाएगा यहाँ पर? ये इल्जाम है कि वाटरों की जितनी दुकानें हैं ना, दुकान वाले पैसे लेके ये लगवाते हैं। दुकान वाला एक भी पैसा नहीं लेता है, एक दुकान वाले को कोई पैसा नहीं देता, यहाँ से लेके जितनी दुकान है कोई एक रुपया नहीं लेता, नहीं, कोई सब्जी वाला, कोई ठेले वाला कोई पैसे नहीं देता। आप इतने सीनियर आदमी है, ये बताएं कि फ्री में आजकल कुछ मिलता है? फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। ये क्या फ्री में बैठे हुए होंगे? हो ही नहीं सकता, जिम्मेदारी लेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर पैसे ले कौन रहा है? सर आप बताएं, सर आपकी दुकान यहाँ बड़ी पुरानी है, कैसे लगने दे रहे हैं आप यहाँ पे? ये हमने नहीं लगवाया, ये बहुत पुराने बैठे हैं, अगर हम मर जाएंगे हटेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं हम। अच्छा, एक आवाज़ आई पीछे थे कि ये ज्यादा ताकतवर है आपसे, ऐसा है? हाँ ना, ये कहते हैं हम मर जाएंगे, मैंने क्या बोला आपको, लेकिन हटाएंगे नहीं। ये बात वही है कि शायद ये लोग थोड़ा कतरा भी रहे बात करने से, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है कि जब ये कहेंगे कि किन्होंने लगवाया तो कल इन्हीं का सामान इस जगह से गायब हो जाएगा, इसीलिए सब दुकानदार बड़े तरीके से मुझसे बात करते हुए, ये नाम नहीं ले रहे इदारों का, लेकिन मैं फिर भी नजरत का कहूँगा कि इन्होंने ये तक कह दिया कि जो लगवाते हैं। सर आप बार बार सुन रहे होंगे टाउन के, आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, कैसे बार बार इनको भी थ्रेड है, वो कहते हैं हमसे ज़्यादा ताकतवर तो ये लोग हैं, ये क्या एक अल्फाज आ रहा है? बहुत बड़ा माफिया है जो कहना में रोडों को कब्जा करके बैठा हुआ है, और अन करीब इंशाल्लाह जैसे ही हमें इख्तियारात मिलेंगे हम इनको दुरुस्त करना भी जानते हैं। जमात इस्लामी किसी से कोई 28 अगस्त 2023 को आप ये वादा कर रहे हैं जमात इस्लामी, जब मैं कोशिश करूंगा कि आपके टाउन नाजिम से बात करूं कि ये आप वादा कर रहे हैं कि ये हम हटवाएंगे, जबकि दुकानदार का कहना है कि ये ज्यादा ताकतवर हैं। हम हटवाएंगे नहीं, हम इनको सीक्वेंस में लेके आएंगे कि ना इनका कारोबार खत्म हो, ना कहना में लोगों को परेशानी। आप देख रहे हैं कि रोडों पर चलने की जगह नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये दुकान है,
ये दुकान वालों ने भी क्या नाम है अपने पधारे आगे की भी देख लें। बिल्कुल, मैंने इनको भी क्या गैर कानूनी चीज इनके लिए भी बनती है, इनको भी सीक्वेंस में लेके आने की जरूरत है ताकि ये लोग पीछे आए। जब ये लोग पीछे आएंगे तो ऑटोमेटिकली रोड क्लियर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जमात इस्लामी के जो हजरत ये बात कह रहे हैं और जमात इस्लामी की जो आला कयादत अगर मेरे अल्फाज सुन रहे हैं तो मैं दरख्वास्त करूंगा सर ये कमिटमेंट आपके ही लोग कर रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे और इसको सीक्वेंस में लेके आएंगे। ऐसा ही ना, चलते हैं मजीद आए। कैसे दुकान रोड पर लगाई हुई आपने? ये बहुत पुराना ठिया लगा हुआ है। दुकान जितनी भी पुरानी हो गैर कानूनी काम का, कहते ना कि जुर्म में हजार बार करता हूँ पर पकड़ा एक बार जाता हूँ, तो शायद आज ये सवाल आपके। गैर कानूनी काम तो बहुत ही हो रहे हैं, बस सिर्फ ठेके ही काम कोई है। आप सारी चीज ठिए पे आ गए कि ठिए सारे काम जो ठिए वाले गलत कर रहे हैं कि गलत बैठे हुए। ये तो एक अरसे पुराने लगे हुए ना, अब ये पहले कम होते थे अब ज्यादा हो गए। कुछ लोगों ने ये जो है ना एक्स्ट्रा लगा ली, आगे बढ़ा ली है। एक शेड्यूल से लगे हैं ना तो ये मुनासिब भी है, ऐसी बात नहीं है। लोगों का काम कैसे बंद होगा? इतनी अच्छी बात हो रही है, एक बात बता दें, डीएमसी केएमसी कितने पैसे लेती है? देखो भाई, केएमसी डीएमसी इनका तो यहाँ चक्कर लगता रहता है, हटाते रहते हैं, आते रहते हैं, हटते भी लगते हैं, लग जाते हैं दोबारा, समझ लो। अब पैसे का जो शेड्यूल पूछ रहे हो आप, इसके बारे में मुझे नहीं पता कि कितने शेड्यूल है कितने नहीं है। पता नहीं है या बताना नहीं चाहते हम? आप कुछ भी समझ लो। आप देखिए, आवाम आपको ही सुन रही है और सब हंस रहे हैं पीछे खड़े हो गए और सब जानते हैं जो मैं कह रहा हूँ सवाल वो कितना अहम है। अगर आप मुनसिफाना तौर पे बात कर रहे हैं, जब आपने इतनी अच्छी बात की, महंगाई है, अच्छी बात रखी, रोड सही नहीं है, रोड पे लोगों को गलत बिठाया हुआ है, तो ये भी बताएं ना कि आखिर कौन सा वो इदारा है जो आपसे यहाँ पे लेन देन कर रहा है? अपने उस डिपार्टमेंट से मालूम करो ना। आप मुझे बताएंगे तो मालूम करूंगा ना, मैं कैसे बता दूँ आपको? बताओ आप। देखिए, बड़ा अहम सवाल यहाँ पर मैं फिर रखता हूँ आपके आगे नाज़रीन के, कोई भी अकायद बोलने को तैयार नहीं है। मैं हकायत दिखाने को ज़रूर तैयार हो गया, लेकिन शायद लोग हकायत बोलने को तैयार नहीं हो रहे। लेकिन आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं फिर कहूँगा कि ये वही मार्केट है जिसकी वजह से पूरे रोड तीन जगह के अतराफ जाम होते हैं, जिनमें दो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। मैं एक ब्रेक पर जाऊँगा, ब्रेक पर आके फिर बात करेंगे। और यही वो आवाम है, यही वो दुकानदार है, और कोशिश करेंगे के एम सी डी एम सी यहाँ पर जो नुसरतुल्लाह साहब हैं यहाँ के जमात के टाउन नाज़िम, उनसे बात करेंगे आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। मैं ये बताता चलूं कि आधे घंटे के नोटिस पे केएमसी की टीम पूरी यहाँ मौजूद है और आप ये देख सकते हैं कि केएमसी ने जिस तरह K21 को रिस्पॉन्ड किया है, उनकी पूरी टीम, जवाब तो चाहिए कि टीम को रिस्पॉन्ड किया है, ये काबिले जबरदस्त, बिल्कुल मैं एहतरामन वाली बात कहूँगा कि हमें हर हाल में ये कहना चाहिए कि केएमसी भी काम कर रही है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्ड सही तरह किया जाए तो ये इसी तरह रिस्पॉन्ड मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये इंस्पेक्टर्स हैं जो केएमसी के काम कर रहे हैं, इन्होंने मार्केट को फौरी तौर पे K21 के इस एक्शन पर अगर मैं कहूँ तो फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए पूरी मार्केट को क्लियर करने का हमें कहा, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं इस वक्त केएमसी के दफ्तर में, जहां पे अगर हम कहें तारीफ करना पड़ेगी कि आधे घंटे के नोटिस पे एक ऑपरेशन क्रिएट किया गया जो वाटर पंप मार्केट जो कई सालों से देखने में आ रहा था। और मेरे साथ मौजूद है हनान साहब की पूरी टीम मौजूद है जो बहुत खूबसूरत तरीके से आप सब ने काम किया मेरे साथ। मैं कहूँगा सर आप बताएँ कि कैसे, गौरव भाई ये बताएँ कैसा गया, और आधे घंटे के नोटिस पर जिस तरह आप लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया K21 की टीम को, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए को जिस तरह आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम का। ये बताएँ कि ये मार्केटें क्यों लग जाती हैं जनाब?
जनाब देखें, पहले तो हमारे सीनियर डायरेक्टर, हमारे मेयर साहब की हिदायत है कि इंक्रोचमेंट सारी साफ, और आप यकीन करें हम डेली के बेसिस पे काम करते हैं। अच्छा ये जो है ना, ये मूवेबल जो ठीक होते हैं ना, ये आते जैसे हम भगाते चले जाते, फिर हम जैसे ही हमारा दफ्तर टाइम ख़त्म होता है तो फिर ये वापस आके लग जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ना लगे, हमने पुलिस को भी बोला हुआ है कि भाई इसका जो अपने राउंड करते रहें कि इन्हें हटाते रहें, और हम कोशिश ये करते हैं कि इंक्रोचमेंट साफ़ हो, इलाका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आपका जैसे आपने रिस्पांस की बात कर रहे हैं, हम कहीं और प्रोग्राम कर रहे थे लेकिन हमें फ़ोन आया कि भाई लोग आएंगे, फौरी तौर पे वहाँ पे जाके वाटर रूम का काम करना है, हमने फौरी तौर पे आपके सामने काम किया। नान भाई की तारीफ़ कर रहा हूँ, वहाँ मैं मसरूर भाई की भी तारीफ़ करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्ड किया, और मैं तहे दिल से के एम सी का इसलिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आवाम के लिए एक अहम सवाल यहाँ है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। हर बंदा उठा के 40 रुपये 100 रुपये की पर्ची का नाम आप लोगों का लगा रहा है कि के एम सी आती है पैसे ले जाती है। आखिर वोरा भाई ये तो बताएं, क्यों आप लोगों पर बार बार ये इल्ज़ाम लगता है? हम पे इल्ज़ाम है, मैंने आपके सामने खड़ा हुआ था और मैंने सबसे चैलेंज होकर बोला, मैंने कोई एक बंदा बोल दे कि हमारा मैं मुझ समेत मेरा कोई स्टाफ आपसे कोई पाई पैसा लेता हो, कभी भी लिया हो तो आप बताएं। आप खड़े थे, स्टाफ भी खड़ा था, टीम भी खड़ी थी वहाँ के, जो इनक्रोचर आजाद थे वो भी खड़े थे, लेकिन किसी ने आया, किसी ने बोला, हम है ही नहीं इस लाइन के अंदर, हम तो हटाने वाले लोग हैं, हम ये लगवाने वाले थोड़ी, हमारा काम ही एंटी इनक्रोचमेंट का है। जैसे कि आपने देखा कि खूबसूरत कार्रवाई केएमसी की जानिब से, क्योंकि मैं यहाँ खूबसूरत का वर्ड इसलिए कहूँगा क्योंकि कोई भी कार्रवाई अगर आधे घंटे के नोटिस पे की जाए तो ये बात गलत नहीं होगी कि उस इदारे को भी कहना चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, जहाँ तनकीद का निशाना बनाया जाता है किसी इदारे को, वहाँ उनकी तारीफ भी बनती है, क्योंकि आधे घंटे के शॉर्ट नोटिस पे केएमसी मार्केट के अंदर मौजूद थी और जिस तरह की कार्रवाई वो आपने स्क्रीन पे देखा। मैं आपका मेज़बान अदील खान इतना ही कहूँगा कि जवाब तो चाहिए कि टीम को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, और K21 के प्लेटफॉर्म से जो हमें मौका मिला है हमें फीडबैक से अपने आगाह करें, और अगले एपिसोड पे जरूर हमें बताएं कि हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे बात हो रही थी हमारी कि अवेयरनेस के ऊपर, कि अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। ये वही लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, इनका कोई शायद कसूर नहीं है, लेकिन इनका कसूर ये कि इनको अवेयरनेस कौन दे। DMC KMC TA पतारे लगवा देती है चंद पैसों के खातिर, पर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं देती। बेटा यहाँ मौजूद है, मेरी आवाज़ आई, बड़ी अच्छा लगा मुझे जानने में। अस्सलाम वालेकुम। वाहिद बंदे मार्केट में लगे जिसने मुझे क्लियर बोला कि यार हम DMC को ये पैसे देते हैं, KMC को देते हैं, DMC को देते हैं। 40 रुपए लेके आया था, हमें नहीं पता कचरे वाला कौन है वो लेके। पर डे 40 रुपए यहाँ से उठते हैं पर डिया, क्योंकि आप लोग भी देखें, ये बात मैं बड़ा क्लियर कहूँ कि चले आपको तो नहीं पता, ऐसा हो सकता है कि बाकी दुकानदारों को ना पता हो कि बंदा कौन है वो किसी तो इदारे का होगा, KMC का होगा, DMC किसी इदारे से होगा, पर 40 रुपए लेके यहाँ पे हजारों ठेले, तो इसका मतलब रोज के बिना पर यहाँ पे लाखों रुपया उठता है और वो गवर्नमेंट की मद में नहीं जाता, तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर होता है नुकसान। चलते हैं, मजीद आवाम बहुत यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पूरा बाजार है और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये दिखा सकें कि यहाँ पर किस तरह काम हो रहा है। अस्सलाम मैम, कब से ले रही सामान यहाँ पे आप? वेरी लॉन्ग टाइम बैक, बहुत पुराना। क्या समझती हैं कि ये गैर कानूनी जो जितने भी ठेके पतारे लगे हुए ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए? असूलन तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से रास्ता भी बहुत ब्लॉक होता है, आवाम भी परेशान होती है। बहुत आपको शायद पता होगा यहाँ पे कार्डियो हॉस्पिटल बना हुआ है, सामने मामजी हॉस्पिटल है। अगर हम, मैं बहुत आसान लफ्जों में कहूँ कि एक जान का ज़या पूरी इंसानियत के ऊपर बात होती है, तो ये गलत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एग्जैक्टली आप जानती हैं कि रोड किस तरह, शाम में किस तरह जाम होता है, क्या वाटर रूम क्रॉस करना है, आसान कैन डाइट, अगर वो इमरजेंसी में हो तो मर सकता है। गवर्नमेंट के लोगों से क्या कहेंगी जो जिन लोगों का ये काम है? गवर्नमेंट के लोगों से तो यही कहना है कि वो आवाम की तरफ देखें, महंगाई कम करें, असूल पे आएं और मुल्क को आगे बढ़ाएं। हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं, अब जो है लोग मरने की हालत पे आ चुके हैं। चांद पे जा रहे हैं और हम बाकी में जमीन को ही खोज रहे हैं, सही है जी? एग्जैक्टली, लोग अब कवर में जा रहे हैं, हम चांद पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐसी है। एक बड़ी दुकान मुझे दिखी है कि जिनके बाहर बहुत बड़ा ठिया लगा हुआ है और हरा भरा ठिया है। यहाँ पर क्यों लगा हुआ है आपका? काम करते हैं, कारोबार करते हैं। कारोबार करने, बिल्कुल आप खड़े हुए हैं, कारोबार करने का भी तरीके होते हैं माशाल्लाह। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपकी दुकान छोटी है, अगर दुकान वाले की मैं बात करूँ तो 10x10 की उसकी दुकान है, और आपकी अगर मैं बात करूँ 10x12 की, तो आपकी दुकान बाहर लगा दी आपने रोड पे। कौन, DMC KMC किसको पे कर रहे हो?
किसी को नहीं कर रहे जी, बस फ्री में लगा दिया आपने। यार आजकल मुझे नहीं लगता कि फ्री में कुछ मिल रहा है। मिल तो कुछ नहीं रहा, बस गुजारा कर रहे हैं, क्या करें, गरीब आदमी है। बात बड़ी आसान है कि जी जी क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? नहीं बोले भाई, भी पैसे लेती है, डीएमसी भी लेती है, पुलिस भी पैसे ले रही है, सब पैसे ले रहे हैं सब। ने बड़ी कोशिश करी कि डीएमसी केएमसी आ जाए, वो आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? तो पैसे ले रही है, जब तो सामने नहीं आ रही ना यार। कैसे इनको हटाया जाएगा, किस तरह ये क्लैरिटी आएगी? अब ये तो आप देखें कि ये कैसे हटेगा भाई। मतलब डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहे? डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। मुफ्त माले मेहर जो आए कबे रहम खाए और जाए, यही बात है, बिल्कुल यही बात। ये दुकानदार बिजली का बिल भरता है, इनको हटा के कोई इनको रास्ता भी तो दिखाओ ना कि ये। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आप बैठो, अगर ये सारा कारोबार आप यहाँ से बंद करा दोगे तो इनको दूसरा रास्ता भी तो दिखाओ, है या नहीं? हम दुकान लेके बैठे हैं, हमने तो इनको किसी को भी नहीं बैठाया हुआ, सही है ना? अब ये सारी इनकी आपस की मिली भगत है, मैं डीएमसी की भी, पुलिस की भी, सबकी मिली भगत है। देखिए बात बहुत छोटी सी है कि दुकानदार बिजली का बिल पे कर रहे हैं, और ये बिजली का बिल कितना आ रहा है आपका? 30,000, कभी 30,000। ये 29 से 30,000 रुपए पे कर रहा है, और ये उसी के बाहर बैठी हुई शॉप वाला ये सिर्फ डीएमसी को चंद पैसे दे के अपने काम को निकाल के आगे लेके जा रहा है। बात किसी के कारोबार को ख़त्म करने की नहीं है, पर इसका अल्टरनेट गवर्नमेंट को चाहिए, इनको देना चाहिए। चलते हैं मजीद लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे हम पहुँचे हैं, और आवाम का कहना ये है कि आप ये देख सकते हैं कि रोड के ऊपर ये हाइजीन ऐसी चीज़ है जो खिलाई जाती है, और अगर बात करें समोसे पकौड़े हर चीज़ें मौजूद है। भाई जान क्यों लगाया हुआ रोड पर आपने? क्यों लगाया हुआ यहाँ पे? बेचने के लिए। किसी ने तो लगवाया होगा ना यहाँ पे आपका, यहाँ पे खुद लगा दिया? आपके घर के आगे अगर मैं ठेला लगा दूं तो आप जाने दोगे क्या? नहीं। ये आपने रोड पे लगाया, ये आपकी जगह तो नहीं, गवर्नमेंट की जगह है? गवर्नमेंट वाले काम करते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं? पुलिस बीटर लेते 50 रुपए रोज, केएमसी वाले लेते 40 रुपए रोज, ऑफिस के बाद जब कोई नेट और नाजिम आता है, एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, वो सबको उठाते हैं और सबसे 5-5 रुपए लेते हैं, पैसे लिए जाते। लेकिन ये क्यों उनके रो रहे हैं इस बात पर कि ये बताना नहीं चाह रहे आखिर? भाई जान मैं तो काम करता हूँ ना प्यारे भाई, मेरे को क्या पता इस बारे में? आपने हमारे नुमाइंदे को कल शहजाद केएमसी वाले का नंबर क्यों दिया था? किसने दिया था? आपने? मेरे को क्या पता भाई, आपकी वीडियो है मेरे पास, अगर मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ कि बात वो करें आप, मैं बिल्कुल दिखाता हूँ। आपने कल शहजाद, नहीं 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 मारे नहीं, मारे नहीं, सच बोलने की आदत इनमें डालें कि सच बोलो, क्यों आप केएमसी वाले बंदे का नाम नहीं ले रहे? फोन गेम के नंबर तो आप बांट रहे ठिया लगाने के लिए, आपने कल का कि ठिया लग जाएगा, शहजाद से रब्ता कर लो। मैं मोबाइल में आपका शहजाद का नंबर दिखाऊं? पता नहीं, दिखाऊं मोबाइल लूं आपका नंबर और शहजाद का नंबर निकालूं? बोले मेरे को क्या पता भाई जान। बात ये है कि ये अपने आप को लोग जो है ना एकदम वो अल्फाज उर्दू में आता है जहन में जिसको हम कहते हैं नन्ने काके, ये वो नन्ने काके जिनको शायद कुछ पता ही नहीं है। जी सर आप क्या कह रहे हैं, चलना मुश्किल है? यहाँ बहुत मुश्किल है, आना जाना होता है, कोई अगर बाइक हो या कुछ हो, वो जुड़िया बाजार से बुरा हाल हो गया यहाँ पर, जुड़िया बाजार से बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे। सर इसके जिम्मेदार कौन है आपकी नजर में, कौन है आखिर जिम्मेदार? सर ये इंतजामिया है, इंतजामिया है। इंतजामिया में दो चीजें बहुत अहम है यहाँ पर, एक है केएमसी और एक डीएमसी। जी हाँ यही है। पैसे ले रहे हैं ये लोग? ये तो मैंने कहता, मैं तो वहाँ पर नहीं हूँ। सामने लेके जाते बीटे कर दिखा दूँगा आपको, जो पुलिस की बच्चा जमा करता है दिखाऊँ चुका आपको, तो शक्ल जरूर हमें दिखाएं। आइए अभी दिखाएं। आप लेके आए, मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं पर हूँ। आपको जाना पड़ेगा, बंदा वहाँ मौजूद है इस वक्त? मौजूद है, नारियल की दुकान है। मैं आपके साथ अपने एक नुमाइंदा भेज रहा हूँ, वो मुझे ओके करेगा तो मैं जाऊँगा। मैं जाऊँगा, जरा इनके साथ जाएं और जरा चेक है। देखिए अगर आवाम इसी तरह मंजर आम पे उन लोगों को लेके आएगी तो यकीन करें ये इन्हीं लोगों का फायदा है, क्योंकि इनको अवेयरनेस नहीं मालूम, इनको ये नहीं मालूम कि जगह कौन सी लगाई जाती है और कौन सी जगह लीगल है और कौन सी जगह अनलीगल है।